साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12। बायोलॉजी के क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग ने पिछले बार पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पिस्टिल, मेगा एस्पोरेंगियम, इसको ओवल बोलते हैं, और एम्ब्रायो सैक के बारे में। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। द गैनेशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को गैनेशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल का, फ्लावर का। द गैनेशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल वाले होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, ठीक है। अगर एक पिस्टिल वाला हुआ तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और मैनी हैव मोर देन वन पिस्टिल वाले होंगे तो उसको बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। वेन देयर आर मोर देन वन, एक से भी ज़्यादा हो गए तो द पिस्टिल मे हैव फ्यूज टूगेदर, उसको बोलेंगे साइनकार्पस, ठीक है, जिसको फिगर में आपने देखा था। और मे भी आपके एक होते हैं एस्पारकोपस, जो फिगर 2.7 में 2.7B और 2.7A में आप नीचे देखेंगे। और ईच पिस्टिल हैव थ्री पार्ट्स, फिगर 2.7A में आपको दिखाई देगा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, आओ उतर जाओ, आओ उतर जाओ, नहीं प्लेटफॉर्म वो हुआ, ठीक है। फ्रॉम पोलन ग्रेन, मैंने पोलन ग्रेन के लिए वो लैंडिंग साइट देता है जहां वो उतर सके, है ना। द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट विनिच द स्टिग्मा, द बेसल वेलगेट पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवेरी। इनसाइड ओवेरी, सारा काम तो ओवेरी में ही होता है, ओवेरियन कैविटी होता है जिसको हम लोग लोक्यूल कहते हैं। हमेशा ये बोलते रहेंगे कैवरी कैवरी, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग इसको अब लोक्यूल कहेंगे। द प्लेसेंटिया, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। एक प्लेसेंटा जो होता है उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बाहरी दुनिया से उसको कनेक्ट रहता है। रिकॉल द डिफरेंशिएशन टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन। देखिए कुछ फिगर भी देख लीजिए, ये आपके कार्पल हैं बड़े बड़े में बनाए हुए, ये देखिए स्टाइल स्टिग्मा, है ना, कितने सुंदर बने हुए हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये ओवरी और थैलमस है, ये आपके साई कार्पोकस ओवरी है, ये देखिए इस तरह का रहेगा तो उसको कार्पल, देखिए ऊपर इसका कार्पल है, और यहाँ देखिए इसके हर एक पार्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, डाउनलोड हो जाने दीजिए। ये आपका सबसे ऊपरी भाग जो है ये आपका हीलियम है, फिर आपका फ्यूनिकल है, फिर आपके माइक्रोफाइल है, फिर माइक्रोफाइलरी पोल है, फिर आपके आउटर इंटीग्यूमिनेट है, फिर इनर इंट्यूबमेंट है, न्यूक्लियस है, एम्ब्रायो सैक है, और आपके चेलेजल पोल है। ये आपके हिबिस्कस जो होता है, हिबिस्कस जिसको उड़हल कहते हैं, उसके पिस्टिल को शो किया गया है ए वाले में। और अदर फ्लोर पार्ट दैट हैज़ बीन रिमूव्ड, सारे पार्ट को हटा करके दिखाया गया है। मल्टी कैपलरी साइनेपस पिस्टिल को बी में दिखाया गया है। पिस्टिल ऑफ पे पोवर का दिखाया गया है, और सी नंबर है आपका मल्टी कैपलरी एप्रोकार्पस
आपको दिखाया गया है, जाइनोसियम और मैसेलियन मैसेलिया को दिखाया गया है। डी नंबर है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनोट्रोपस ओवल को दिखाया है। क्लास 11 में अराइजिंग द प्लासेंटिया आर, मैंने क्लास 11 में भी आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। तो अराइजिंग द प्लासेंटिया प्लेसेंटा आर मेगा एस्पोरेंगिया कॉमनली कॉल्ड ओवर्स, इनको कॉमनली ओवर्स कहेंगे। द नंबर ऑफ ओवल इन एन ओवेरी में भी वन हो सकता है, जैसे वीट में, पैडी में, मैंगो में एक ही ओवेरी होता है, टू मैनी पपाया में, वाटरमेलन मेलन और चीड्स में ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। द मेगा एस्पोरेगियम ओवल लेट अस फैमिलियराइज आवर सेल्फ विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एगिनोस्पर्म ओवल, जो कि 27 का डी में फिगर में आपने देखा। द ओवल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड बाय द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ द स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, उसको बोलते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ ओवल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन रीजन कॉल्ड हीलियम, ऊपर दिखाया था हिबिस्कस वाले प्लांट में। दस हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओवल, ओवल और फ्यूनिकल के जंक्शन में मौजूद होता है। ईच ओवल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वाल्व्स होते हैं, जिनको हम लोग इंटीग्यूमिनेंट्स कहते हैं। इंटीग्यूमिनेंट्स इन साइकिल इन सर्किल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफाइल इज ऑर्गेनाइज्ड अपोजिट टू माइक्रोफाइलर एंड द क्लैजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओवरी। इनक्लोज्ड विद इन द इंटीगमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस न्यूसेलस हैव अबंडेंस रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, लोकेट इन द न्यूक्लियस इन एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैनोफाइट्स में मौजूद होते हैं। ए ओवरी जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म्ड बाय मेगा एस्पोर्स। तो अब हम लोग जानेंगे मेगा एस्पोर जेनेसिस, ये किस तरह से होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा एस्पोर्स फ्रॉम द मेगा एस्पोर्म्स मदर सेल इज कॉल्ड मेगा एस्पोर जेनियस, यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है मेगा एस्पोर्म्स का तो किससे हो रहा है, आपके मेगा एस्पोर मदर सेल से हो रहा है, इसको हम लोग मेगा एस्पोर जेनेसिस कहते हैं। ओवल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगा एस्पोर्स मदर, जिसको MMC कहते हैं, इज माइक्रोफाइलर रीजन होता है। इस फिगर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको जान लें। ऑफ द न्यूक्लियस इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आगे अब हम फिगर अब देखें, ये देखिए फिगर है, ये आपके माइक्रोफाइल एंड है, न्यूक्लियस है, और ये आपका मेगा स्पोर्स मदर सेल है जिसको MMC कहते हैं। फिर आपका माइक्रोफाइलर एंड है जिसको नीचे आपके न्यूक्लियस है, आई मेगा स्पोर डायंट है। यहाँ देखिए माइक्रोफाइलर एंड है, मेगा स्पोर्स ट्रेड्स है, ये अलग अलग फ्लावर्स के दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके हो गए साइनर ग्रिड एग है, सेंट्रल सेल है, टू पोलर न्यूक्ली है, एंटी पोडल्स है। इसके बाद यहाँ देखिए ये थोड़ा गलत बटन दब गया, इससे क्या है कि
आपके सिस्टम जो है थोड़े से हिल गए हैं, पहले डाउनलोड हो जाने दीजिए, पहले कहाँ पे है देख लें।